Hi students, I'm Nihar Ranjan Nanda. Welcome to my grammar classes. Today I am going to teach you about the articles. Mainly there are two types of article. Article do tarah ki hoti hai. First one indefinite article and second one definite article. Pehla wala article jo hai wo hai indefinite article aur dusra article jo hai wo hai definite article. A and an are indefinite article. तो ए और एन ये इंडिफिनिट आर्टिकल है, यूज टू रेफर टू ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जो कि एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल होती है। तो एक काउंटेबल नाउन होगा और सिंगुलर होगा, उसको रेफर करने के लिए हम ए और एन का इस्तेमाल करेंगे। तो फिर देखो नेक्स्ट लाइन, एन इंडिफिनिट आर्टिकल मीन्स दैट वी डू नॉट नो व्हिच वन और इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट टू नो इट। तो इंडिफिनिट आर्टिकल्स का ये अर्थ है वी डू नॉट नो व्हिच वन, तो कौन सा है हमको ये पता नहीं है, और इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट टू नो इट, और यह जानने की कोई ज़रूरत ही नहीं। नेक्स्ट देखेंगे व्हिच वन टू यूज ए और एन, तो हम ए और एन कहाँ इस्तेमाल करेंगे। द रूल स्टेट दैट ए शुड बी यूज्ड बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विथ कंसोनेंट व्हाइल एन शुड बी यूज्ड बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विथ वाउल्स। तो रूल ये कहता है कि ए को हम जो वर्ड एक कंसोनेंट से शुरू हुआ है उसके पहले ए का इस्तेमाल करेंगे, जबकि आन का इस्तेमाल कब करेंगे ना, जब कोई वर्ड एक वाउल से शुरू हुआ है। इट शुड बी नोटेड हाउएवर दैट द यूजेस इज डिटरमाइंड बाय द प्रोनाउंसिएशन एंड नॉट बाय द स्पेलिंग। लेकिन ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब हम डिटरमाइन करेंगे, ये निर्णय करेंगे कि ए यूज़ होगा या आन यूज़ होगा, ये हम लेटर को देखकर नहीं निर्णय करेंगे, उसका प्रोनाउंसिएशन को देखकर उसका निर्णय करेंगे, उसका उच्चारण को देखकर हम उसका इस्तेमाल करेंगे ए और आन का। एंड दिस इंक्लूड्स एब्रिविएशंस एंड एक्रोनिम्स, तो इसके साथ साथ कुछ एब्रिविएशन भी है और कुछ जो साइलेंट वर्ड्स वो भी आता है। तब जब हम एग्जांपल दिखेंगे तब समझ जाएंगे। देखो पहले से ए का इस्तेमाल हो, देखो एग्जांपल है ए कंसोनेंट बी सी डी एफ जी एटसेट्रा, जितने सारे के पहले कंसोनेंट के पहले इस्तेमाल होगा ए वाउल दैट इज प्रोनाउंस लाइक यू। और देखो सेकेंड सेंटेंस में ए किसके पहले इस्तेमाल होगा, ऐसे कुछ भावल के पहले इस्तेमाल होगा, लेटर लेकिन होगा क्या, भावल होगा, लेकिन हम उसको जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो ये भावल नहीं होता, वो तो क्या आ जाता है, कंसोनेंट आ जाता है, जैसे कि यूरोपियन ई से शुरू हुआ है, तो जो लेटर शुरू हुआ है वो एक भावल है, लेकिन जब हम उसको उच्चारण करते हैं तो यू आती है, वाई यू, तो ये कंसोनेंट साउंड आता है, इसलिए ए का इस्तेमाल हुआ है। वैसे यूनिवर्सिटी में यू तो एक कैसा लेटर है, भावल है या नहीं, लेकिन जब उसका हम उच्चारण करते हैं तो यो आता है, यूनिवर्सिटी यो आ जाता है, मतलब एक कंसोनेंट साउंड आ जाता है, इसलिए हम उसके पहले ए का इस्तेमाल किया है। ठीक है, नेक्स्ट द भावल ओ व्हेन इट हैज ए डब्ल्यू साउंड वन वे स्ट्रीट, और जबकि ये वाउल में क्या होता है, ओ की बात करेंगे, ओ वन लिखा गया वन वे स्ट्रीट वन, तो वो आ गया मतलब ये क्या कंसोनेंट का इस्तेमाल हुआ, तो ए इस्तेमाल होगा, ए वन वे स्ट्रीट होगा, नॉट आन नहीं होगा, इधर ए है लेटर ओ है, लेकिन ओ क्या है, कंसेंट या भावल, वो तो भावल है, लेकिन जब हम उसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं ये कंसोनेंट साउंड आ जाता है, इसलिए उसके पहले हम ए लिखेंगे, तो एन वन वे स्ट्रीट नहीं होगा, ये गलत होगा, हम ए वन वे स्ट्रीट लिखेंगे, क्योंकि वो आता है, वो एक कंसोनेंट है, नॉट ए भावल। अभी देखेंगे एन का इस्तेमाल और कुछ, देखो हम तो पता है ए आई ओ यू के पहले आन का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके बाद ये भी जानना जरूरी है कि आन का इस्तेमाल एक वाउल साउंड से पहले ही होगा। सेकेंड पॉइंट में देखो आन ऑन स्पेयर एच
मतलब जिधर एच साइलेंट हो जाता है, जैसे कि आवार, HOUR, हम उसको कैसा प्रोनाउंसिएट करते हैं, आवार कहते हैं, कोई हावर कहता है क्या? हावर तो कोई नहीं कहता, उसको हम आवार प्रोनाउंसिएशन करते हैं, आवार आवार, मतलब भावल का इस्तेमाल हो गया, पहले भावल साउंड आ गया, इसलिए हम इसके इस वर्ड के पहले आन का इस्तेमाल करेंगे। वैसे ऑनेस्ट, HONEST, इधर एच साइलेंट हो गया तो ऑनेस्ट उच्चारित हुआ, जिसके पहले हम आन इस्तेमाल करेंगे। इस तरह के कुछ वर्ड्स है, और भी कुछ वर्ड्स है। नेक्स्ट देखो, अब्रिविएशन स्टार्टिंग विथ ए भावल साउंड, AM, MMBA, ठीक है। तो कुछ अब्रिविएशन जो कि कुछ भावल साउंड से शुरू हुआ है, आन MBA, इधर MBA, MMA, ए आ गया, एक इस तरह का साउंड है, भावल कंसोनेंट, भावल साउंड है, इसीलिए उसके पहले आन इस्तेमाल हुआ है, MBA, एक ए आता है इसलिए। तो आज आपको मैंने ए और आन के इस्तेमाल कहा, ये इंडेफिनेट आर्टिकल था। अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डेफिनेट आर्टिकल के बारे में बताऊंगा, जिधर कि दी के बारे में, दी का कहाँ का इस्तेमाल होता है इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन आज उतना ही। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।